हमारी आज की प्रेजेंटेशन है गोल्ड एंड पोल्ट्री फार्मिंग वीडियो। हमारे ग्रुप के मेंबर थे मेहमान, अरफाज, इस्लाम, नौफिल और सलमान। जो हमारा मेन टॉपिक है इसके ऊपर करने के लिए वो पोल्ट्री एजुकेशन है बाय स्मॉल एनिमल फार्मिंग। इसमें बता दूं मैं कि मसले क्या है पाकिस्तान में। 46% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लेवल पे जी रही है और तकरीबन दुनिया में से हम तकरीबन आते हैं 147 के नंबर पे। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे और उसमें से 58% जो है 58.55 एग्जैक्ट वो पोल्ट्री है और नेशनल सेक्टर पे करती है। तो इसमें सर तो इसमें ना हमारी सारी चीजें जो डिपेंड करेंगी वो पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे डिपेंड करेंगी और इसके बाद हम हमारे साथ करवा लेंगे वो बनाएंगे। सर हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम स्मॉल एनिमल्स करीब फैमिलीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ब्रीडिंग करवा के उनकी ग्रोथ करवा के और वो उनमें से अपनी इनकम बनाए। तो हमें हमारा जो टास्क है तो पहला हमारा टास्क ये है कि हमें एक लेज ढूंढना है जिसमें अप टू 100 पीपल हो तो वो तकरीबन बन जाएंगे 30-35 फैमिलीज वो बन जाएंगी। तो हम हर फैमिली को 5 chickens एंड अ पेयर ऑफ गोट्स हर फैमिली को प्रोवाइड करेंगे और उनको हम 2 साल का एग्रीमेंट देंगे क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में गरीब लोगों में भी एक खुददारी पाई जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम किसी का एहसान नहीं लेंगे तो इसीलिए हम उनको एग्रीमेंट में देंगे तो उनपे एक वो सिक्योरिटी होगी कि ये हमें वापस करना है तो मतलब उन पर एक एहसान नहीं होगा हमारा। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग एनिमल्स देंगे बेच के एक दिन का खाके 2 दिन का खाके वो लोग खत्म कर देंगे, वो उस पर बिजनेस नहीं बनाएंगे अपना। तो हम उनको एक एग्रीमेंट में देंगे 2 साल के। उसके अलावा हम उनको सारी मेडिकेशन वैक्सीन और उनकी जो फीड होगी हम वो वहीं पे प्लॉट जो उनके पास होंगे जगह होगी हम लोग वहीं पे वो सब चीजें उगाएंगे, उनको प्रॉपर मेडिकेशन देंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि उनको कैसे बढ़ाना है या उनकी ब्रीडिंग वगैरह कैसे होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही ये है कि हम अपना पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस डालना चाहते हैं कि वो खुद से कोई बिजनेस खड़ा कर सके। तो इस वजह से हम लोग ये अपना तो हम लोग ये प्रोजेक्ट लाए हैं कि भाई इनको बकरी भी दें और इनको मुर्गियाँ भी दें ताकि वो ब्रीड भी करें और आगे आगे पैसे भी कमा सकते हैं। और हमारी कवर हो रही है लो पॉवर्टी, जीरो हंगर, लाइफ ऑन लैंड और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, लो पॉवर्टी इस वजह से क्या उनको हम लोग देंगे बकरे और मुर्गियां को आगे जाके 2 साल के टाइम के बाद वो उसको बेचेंगे मार्केट में जिस तरह भी बेचें तो उनसे इनकी ये पॉवर्टी खत्म हो सकती है कई हद तक। और जीरो हंगर इस वजह से कि वो खुद तक खा भी सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी उनको। और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी वजह से कि उससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। और लाइफ ऑन लैंड इस वजह से कि लाइफ ऑन लैंड जैसे सबसे ज्यादा पैसा होगा उनके पास बेनिफिट्स ऑफ लिविंग होंगी और वो अपना गुजार सकते अपनी जिंदगी के हम मेहमान जोड़ गए थे, हमने सारी गाइडलाइंस वगैरह बनी थे ये मुर्गियों पे ये मुर्गियाँ रखी हैं जो कई ये पूरे इनका पोल्ट्री का था यहीं पे बाजरा हो रहा था ये शेल्टर होते थे ये शेल्टर वीडियो में तो ये सारा गाइडलाइंस हमने ऑब्जर्व किए और बाकी सारा के वीडियो में वीडियो दिखा देते हैं। पानी के लिए ट्यूबवेल बनाया हुआ जो कि पूरे गांव को पानी प्रो
प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ट्यूबवेल की जगह नेक्स्ट कॉस्ट हमारी लगेगी अगर हम पंपिंग का सिस्टम लगाएं हैंडपंप का। उनकी केयर नहीं करते हैं सर, हमने सारी मालूम की है कि कितने का खर्चा आता है, क्या प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और कैसे इनकी फीड बनती है, और ये सारे के प्लांट्स के जहाँ हम उगा रहे हैं कॉस्ट है। अच्छा, हम लोग भी एक तरह से अपने कॉस्ट को बचाने के लिए चारा प्रोवाइड करें, या तो हम लोग उगा के दे सकते हैं वो इस तरह के, हम लोग एक लैंड परचेज करें उस पर ये सारी चीजें उगाएं और उनका ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पानी भी दें अगर जिसके बाद पानी ना हो। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, अगर हम लोग हर फैमिली को 5 chickens दे रहे हैं तो 40 families हैं तो तकरीबन 200 chickens हो जाएगी और उनकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 1,40,000 टोटल चिकन की पड़ती है। इसके अलावा जो मेडिकेशन होती है, फीड होती है और उनकी जो अलग एक्सपेंडिचर है, जो टोटल हमारा जो चिकन का खर्चा है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का टोटल फॉर ईयर है। इसके अलावा गोट्स का हमारा खर्चा अगर हम एक पेयर ऑफ गोट अपने में देते हैं तो 80 गोट्स हो जाती है क्योंकि 40 families हैं, तो उनका हमारा टोटल जो खर्चा है वो 14 से 15 लाख रुपये आ रहा है अगर हम 30 to 45 लगाते हैं बकरे को। इसके अलावा फीड जो है वो 2 दिन की तकरीबन जो बकरे खाते हैं वो 600 से 700 रुपए की फीड 2 दिन में खाते हैं, और पर अगर हम लोग फीड खुद ग्रो कर रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगी या हाफ से भी कम 200 रुपए का एक दिन का पड़ेगा। तो हमारी टोटल कॉस्टिंग जो पड़ी वो 4 मिलियन से लेके 6 या 7 मिलियन के बीच में होगी, तो हमने 40 लाख से लेके 60 मिलियन के बीच में कहीं भी हो सकती है। प्रॉफिट इस तरह कमा सकते हैं कि एक चिकन तकरीबन 200 एग्स दे सकती है सालाना, और 5 चिकन अगर किसी फैमिली को दे रहे हैं तो तकरीबन उसके 1,000 एग्स बन जाएंगे, 1 15 रुपए का बिक जाता है मार्केट में, तो उस हिसाब से मतलब काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लिखा हुआ भी है कि 1 लाख तकरीबन जो है ना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं सिर्फ अंडों से, और उसमें से क्योंकि 1,000 चिकन तकरीबन हम लोग एग्स को मतलब सब में से मुर्गियां तो नहीं निकलेंगी, कुछ में अंडे भी बेच सकते हैं और कुछ से मुर्गियां निकाल के उसकी आगे जाके और ब्रीडिंग करवा सकते हैं। बकरों का भी ऐसे कुछ हिसाब है, बकरों का ये हिसाब है कि बकरे जो है दूध भी, बकरियां जो है दूध भी देती हैं, वो दूध आगे जाके बिक भी सकता है मार्केट में, वो इस तरह बिकेगा कि वो चीज़ के लिए जो चीज़ होती है वो बन सकती है उससे, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज ले सकती है, उसको भी हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे उनको कि मल्टीनेशनल कंपनीज को कि यहाँ पे जाके आप लोग जो है ना इनसे रब्ता करें और इनसे इनका दूध परचेज करें, और इस तरह वो आगे जाके कुर्बानी के लिए भी बिक सकते हैं। अगर जिनके जानवर कुर्बानी के लिए नहीं बिकते मतलब कि वो ना बेच ना सके तो उनका हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे कि कोई मीट एक्सपोर्टर हो उसको जाके हम लोग रब्ता करें और उससे बोले कि जानवर उनसे खरीद ले मीट एक्सपोर्टर से, वो पर किलो के लिहाज से जानवर बिकता है मीट एक्सपोर्टर, उनके लिए उसमें भी काफी सारा प्रॉफिट निकल सकता है इनका। सर हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी चिकन्स के ऊपर वो थी 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ चिकन्स के ऊपर, और हमें जो 1 साल का प्रॉफिट मिल रहा है वो तकरीबन 15 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो उनका पर मंथ हर एक फैमिली का तकरीबन 1,25,000 से 20,000 हर मंथ को कमा सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जिस प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है उसका नाम बर्गर प्रोजेक्ट है, ये 2020 में एनजीओ वर्ल्ड ने शुरू किया था, उन्होंने कानेवाल के एक शहर उन्होंने पाकिस्तान के एक शहर कानेवाल के एक गांव में गरीब खानदानों में एक एक गाय 1 साल के एग्रीमेंट पे दी थी, जो कि उनसे जो दूध मिलेगा उसे वो अपनी इनकम के तौर पर बेच सके। सर हमने जो एग्रीमेंट का बताया कि हम 2 साल का एग्रीमेंट करेंगे, उससे हमें फायदा ये है कि 2 साल का जब एग्रीमेंट पूरा होगा तो उस पर जो वो हमने एनिमल्स दिए थे वो कॉस्ट या वो एनिमल्स हम उनसे वापस लेंगे, किसी और गांव में जाएंगे उधर 100 लोग बोलेंगे उनको वो देंगे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा, सिर्फ 100 लोगों में खत्म नहीं होगा। और फीड का ये भी कह सकता हूँ कि अगर फीड हम लोग खुद से प्रोवाइड करें मार्केट से खरीद के तो कुछ ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी, तो उसके लिए एक लैंड परचेज करें उस पर उगाएं पर एकड़ की कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी उस पर, और अगर किसी का पानी नहीं है तो उसको ड्रिप इरिगेशन करके उसको पानी प्रोवाइड करेंगे उस लैंड पे, और वो सोलर सिस्टम से हम चलाएंगे, ना डीजल की कॉस्ट आएगी ना कुछ ऐसा कॉस्ट आएगा, ये प्रोजेक्ट हमारा। थैंक यू सर।